औसत और आदर्श वजन है। शिशु की लंबाई इस वक्त लगभग 20 इंच के आसपास हो जाती है और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शिशु ने सिर पूरी तरह से नीचे कर लिया होता है, यानी कि वह सेफलिक पोजीशन में आ गया है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पोजीशन है। सिर्फ 1 से 2% मामलों में अभी भी शिशु ने सिर नीचे नहीं किया और इस पोजीशन को ब्रीच पोजीशन कहा जाता है। और ब्रीच पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि शिशु का सिर ऊपर होता है और पैर नीचे की तरफ होते हैं। ऐसे में अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाए तो शिशु की हार्ट बीट बढ़ सकती है, शिशु को ऑक्सीजन पहुंचने में रुकावट पैदा हो सकती है, शिशु को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शिशु की मूवमेंट यानी कि शिशु की जो हलचल है वह पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि शिशु कम हलचल करता है और बहुत सारी गर्भवती महिलाएं इसको देखकर परेशान हो जाती हैं। उनको लगता है कि शिशु कम हलचल कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं, लेकिन उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिशु के कम हलचल करने का कारण है कि गर्भाशय में शिशु के घूमने के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचती, क्योंकि शिशु का आकार बढ़ चुका है। दूसरा, शिशु का सिर नीचे की तरफ चला जाता है और पैर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ऐसे में शिशु का ज़्यादा हलचल कर पाना संभव नहीं होता। इसलिए आपको 7वें और 8वें महीने के मुकाबले 9वें महीने में शिशु की हलचल कम महसूस होती है, जो कि सामान्य बात है। शुरुआती प्रेगनेंसी से लेकर 9वें महीने तक आपका वजन 11 किलो से लेकर 16 किलो तक बढ़ सकता है, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को हल्का पेट दर्द रह सकता है, जो कि सामान्य बात है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को फॉल्स लेबर पेन भी हो सकते हैं। दोस्तों, फॉल्स लेबर पेन असली लेबर पेन की तरह ही होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि यह सिर्फ 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रह सकते हैं और यह दर्द वैसा ही दर्द होता है जैसे पीरियड के दौरान होता है, और इस दौरान गर्भवती महिला का पेट कड़क हो जाता है और कुछ मिनट बाद सामान्य हो जाता है। यह एक तरह की रिहर्सल होती है और ये फॉल्स लेबर पेन का मतलब है कि गर्भाशय जो है खुद को डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा होता है, इसीलिए इसको अभ्यास संकुचन या फिर फॉल्स लेबर पेन कहा जाए। लेकिन अगर पेन आपको ज़्यादा देर तक हो, तेज हो और सहा ना जा सके, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं का पेट का आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को उठने बैठने में परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं की रीढ़ की हड्डी में जोर पड़ने के कारण गर्भवती महिलाओं को कमर दर्द रह सकता है, हाथों और पैरों में सूजन भी रह सकती है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो सकती है, क्योंकि इस वक्त पेट का आकार ज़्यादा बढ़ने के कारण गर्भाशय जो है नीचे की ओर दबाव डालता है और गर्भाशय मूत्राशय पर दबाव डालता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को नींद ना आना, बेचैनी बनी रहनी, सांस लेने में तकलीफ होने आदि समस्याएं हो सकती हैं, जो कि सामान्य हैं गर्भावस्था के 9वें महीने के दौरान। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गर्भवती महिला किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा सकती हैं। सबसे पहला है घर का कामकाज करना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए नहीं बोला है, तो आप घर का कामकाज कर सकती हैं। सबसे बढ़िया है आप झाड़ू पोछा लगाएं। अगर आप झाड़ू पोछा लगाती हैं तो इससे जो है पेल्विक एरिया पर दबाव पड़ता है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। सबसे बढ़िया है पोछा लगाना, पोछा लगाने से नीचे की ओर दबाव पड़ता है। दूसरा है, जो गर्भवती महिलाएं इंडियन शौचालय यानी भारतीय शौचालय का प्रयोग करती हैं, उनको नॉर्मल डिलीवरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इस पोजीशन में नीचे की ओर दबाव पड़ता है, जिससे गर्भवती महिला के पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उनकी मांसपेशियां जो है लचीली होती है। लेकिन यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, ज़्यादातर आजकल घरों में इंडियन शौचालय नहीं होते, तो ऐसे में आप चिंता ना करें। अगर आपके घर में इंग्लिश टॉयलेट हैं तो आप इंग्लिश टॉयलेट का प्रयोग करें।
प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को टेंशन लेने से बचना चाहिए, स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं स्ट्रेस लेती हैं तो उनको प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, यानी कि समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। और दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं स्ट्रेस लेती हैं उसके कारण उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वह स्ट्रेच नहीं हो पाती, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी हो पाना संभव नहीं। तो ऐसे भी उनको खुश रहना चाहिए, टेंशन स्ट्रेस से दूरी बनाए रखना चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखें, गर्भावस्था के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार जो महिलाएं अपने शरीर को हाइड्रेट रखती हैं, यानी कि वह उचित मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करती हैं, उचित मात्रा में पानी पीती हैं, उन गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हुई है। क्योंकि शरीर अगर हाइड्रेट रहेगा तो गर्भवती महिला आसानी से शिशु को नीचे की ओर पुश कर सकती है, और साथ ही साथ उसके शरीर में फ्लूड्स की कमी नहीं होती। और जैसा हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को अगर फ्लूड्स की कमी होगी तो उसके शरीर में वैसे भी कमजोरी आ जाएगी, तो वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी कर पाना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके अलावा पूरी गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को सैर करनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 9वें महीने के दौरान कम से कम 30 से 45 मिनट रोजाना सैर करनी चाहिए। यह मैं आपको तेज तेज भागने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हल्की फुल्की सैर करनी चाहिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपकी मांसपेशियां लचीली बनेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद मिलेगी। खान पान का ध्यान रखना। दोस्तों बहुत सारी गर्भवती महिलाएं जब 9वें महीने में प्रवेश कर जाती हैं तो यह सोचती हैं कि अब तो उनको हेल्दी डाइट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब शिशु का विकास हो चुका है, लेकिन यहां पर वह गलत है। अभी भी गर्भवती महिलाओं को उतना ही प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम लेने की ज़रूरत है जितना उनको पहले थी, क्योंकि जन्म के बाद उनके शरीर को न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी ताकि शरीर उचित मात्रा में दूध का उत्पादन कर सके, क्योंकि जन्म देने के तुरंत बाद उनको शिशु को स्तनपान करवाना है। दूसरा, अगर आप खान पान का ध्यान रखेंगी तो आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाएगी, क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई कमी होगी, आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको खून की कमी हो सकती है, और गर्भावस्था में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी में अड़चन पैदा हो सकती है। इसलिए आपको खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में वह कौन कौन से संकेत हैं जिनसे गर्भवती महिला काफ़ी हद तक पता लगा सकती हैं कि उनके डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है। सबसे पहले है पानी की थैली का फट जाना। दोस्तों शिशु का विकास पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक वाटर यानी कि पानी की थैली में होता है, और अगर 9वें महीने के दौरान अचानक आपकी पानी की थैली फट जाती है तो आपको महसूस होगा कि आपकी योनि से पानी का रिसाव शुरू हो चुका है या फिर अचानक पानी बाहर निकल गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। यह एक इमरजेंसी स्थिति है, ऐसे में बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए और यह डिलीवरी का मुख्य संकेत हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ 5% महिलाओं की पानी की थैली फटती है आखिरी समय में, और 95% महिलाओं की पानी की थैली नहीं फटती। दूसरा है म्यूकस प्लग का बाहर निकल आना। दोस्तों म्यूकस प्लग का मतलब होता है गाढ़ा चिपचिपा बलगम की तरह दिखने वाला एक पदार्थ जो गर्भाशय के मुख पर एक अवरोधक का काम करता है, यानी कि शिशु को बाहर आने से रोकता है। अगर गर्भवती महिला का म्यूकस प्लग बाहर आ गया है, साथ में ब्लीडिंग भी हुई है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेबर पेन। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर आपको अचानक पेट दर्द होता है, लंबे समय तक होता है, उस दौरान आपका पेट कड़क हो जाता है और ये जो दर्द है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कमर से होते हुए पेट की आगे की तरफ ये दर्द बढ़ता है, तो ये लेबर पेन हो सकता है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, यह भी डिलीवरी का एक संकेत हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर गर्भवती महिला को अचानक आखिरी समय में तेज बुखार आ जाए, बीपी अचानक बढ़ जाए या फिर बीपी अचानक कम हो जाए,
सिर दर्द तेज हो जाता है, पेट में अचानक तेज दर्द हो जाता है, अचानक गर्भवती महिला को उल्टियां लग जाती हैं, लूज मोशन लग जाते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद से दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास भी अगर आपको प्राकृतिक रूप से दर्द उठे या ना उठे, तो भी आपको डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है और अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन करवा सकते हैं और आपकी डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन आपको डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास डॉक्टर को ज़रूर मिलना है, क्योंकि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं वेट करती हैं, उनको लगता है कि अभी उनके लेबर पेन स्टार्ट होंगे तभी वह डॉक्टर के पास जाएंगी। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट निकल गई है, तो डॉक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता वेट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा वेट करने से आपके शिशु को नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि उस समय आपका जो प्लेसेंटा होता है, गर्भनाल जो है, काफ़ी मैच्योर हो जाती है, जिससे शिशु को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, शिशु को पोषण नहीं मिल पाता। तो ऐसे में डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास तुरंत आपको डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान अगर गर्भवती महिला के स्तनों में तेज दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी में स्तनों में भारीपन, हल्का दर्द होना सामान्य है, लेकिन यहाँ पर मैं तेज़ दर्द की बात कर रहा हूँ। अगर आपके स्तनों में तेज़ दर्द होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला को अपने डॉक्टर से हमेशा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है, प्लेसेंटा प्रीविया है, ब्रीच पोजिशन में उसका शिशु है, या फिर शिशु के गले में नाल लिपट गई है, इसके अलावा प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कर पाना संभव नहीं होता। शिशु के लिए और गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए डॉक्टर की ये मजबूरी बन जाता है सिजेरियन डिलीवरी करना। तो ऐसे में गर्भवती महिला को अपने डॉक्टर के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए, डॉक्टर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान गर्भवती महिला को पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे कि आपको अपने डॉक्टर और अपने हॉस्पिटल का नंबर अपने मोबाइल में सेव रखना चाहिए। इसके अलावा घर में किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पहले से तैयार रहने के लिए आपको बोलना पड़ेगा उनको, और शिशु के कपड़े, शिशु का ज़रूरी सामान, तकिया आदि आप पहले से ही किसी बैग में डालकर रखें, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा ना ढूंढना पड़े। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कोई सवाल और सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।